दाल बनाते वक्त अपनाएं ये ट्रिक्स, होटल ढाबा सबका स्वाद भूल जाएंगे आप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे दाल बनाने का सही तरीका। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दाल भारतीय घरों में रोज़ाना बनाए जाने वाला कॉमन फूड है, यह प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। कुछ खास मेडिकल कंडीशंस को छोड़ दे तो दाल बच्चों से बड़ों तक हर किसी को फायदा करती है। दरअसल दाल चावल और घी का तड़का प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को बेस्ट सोर्स माना जाता है। दाल घरों में कई तरीके से बनती है। अगर आप रोज़ाना एक जैसी दाल खाकर ऊब गए हैं तो इसके बनाने के तरीके में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपको सिंपल दाल पसंद हो या तड़के वाली, यहाँ बताएंगे हर हैक्स आपकी दाल को टेस्टी बनाने के लिए। पहला है हींग जीरे वाली दाल। दाल बनाने से पहले इसे भिगोना बेहद ज़रूरी है। आप करीब 1 से 2 घंटे दाल को भिगोए ज़रूर। अगर आप बिना प्याज लहसुन की एकदम सिंपल दाल बनाना चाहते हैं तो उसमें उबलते वक्त हल्दी, नमक, पानी के साथ एक टमाटर काटकर कुकर में डालें। इसके बाद एक पैन में घी गरम करें, इसमें जीरा, हींग और खड़ी लाल मिर्च तोड़कर उसका तड़का लगा दें। है ढाबा स्टाइल कसूरी मेथी तड़का। अगर आपको ढाबा स्टाइल दाल पसंद है तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखें। अब एक पैन में सरसों का तेल, और आप तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें लंबा कटा प्याज डालें, साबुत लहसुन की कलियाँ डालें, साथ में बारीक कटा टमाटर और हरी मिर्च डालें। जब ये सब भुनने लगे तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल लें। इसके बाद पैन में दाल 5 मिनट के लिए डालें और फिर गैस बंद कर दें। अब ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश कर लें। अगर आपने सरसों के तेल का तड़का लगाया है तो दाल सर्व करते वक्त इसमें 1 चम्मच घी गरम करके डालें। यह है सिंपल प्याज तड़का दाल। तीसरा सिंपल तरीका है जिसमें सिर्फ प्याज का तड़का लगता है, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। दाल के तड़के में जीरा और हींग इम्पॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखें जीरा थोड़ा ज़्यादा ले और इसको भून ले, हींग भी इतनी ले कि खुशबू पूरे घर में फैल जाए। सिंपल तड़का देने के लिए पैन में घी गरम करें, इसमें हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्च तोड़कर डालें। इसके बाद इसमें प्याज काटकर डालें, प्याज को गुलाबी होने तक तल लें। गैस बंद करके इसमें नींबू की कुछ बूंदे और हरा धनिया काट कर डालें। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।